क्या आप जानते हैं दोस्तों, हंगरी देश में अगर आप हंगरी हैं और आपको जंक फूड खाना है तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। मजाक नहीं कर रहा, हंगरी में एक्चुअली में एक जंक फूड टैक्स होता है। साल 2011 में हंगरी की सरकार ने 4% टैक्स लगाया था पैकेज फूड्स और ड्रिंक्स पर जिनमें हाई लेवल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट होती है। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैंडी, सॉल्टी स्नैक्स, फ्रूट जैम्स, इन सारी चीजों पर 4% एक्स्ट्रा टैक्स लगता है। इससे क्या होता है, जब आप इन चीजों को खरीदने जाएंगे तो ये आपके लिए ज्यादा महंगी पड़ेंगी और ज्यादातर लोग प्रेफर करेंगे कि सस्ती चीजें खरीदें और जो हेल्दी चीजें हैं उन पर ये टैक्स नहीं लगा तो वो सस्ती हो गई। हंगरी इकलौता देश नहीं है जिसने ऐसा किया है। वैसे मेक्सिको में साल 2013 में सिमिलर सी चीज करी गई थी। मेक्सिकन सरकार ने 8% टैक्स लगाया उन फूड आइटम्स पे जिनकी एनर्जी डेंसिटी 275 किलो कैलोरीज पर 100 ग्राम से ज्यादा है। तो इन्होंने कैलोरी और खाने के वजन की रेशियो को लिया कंपेयर करने के लिए। इन्हें नॉन एसेंशियल फूड्स की कैटेगरी में डाला गया। क्या लगता है आपको, इंडिया में भी क्या ऐसा टैक्स होना चाहिए ताकि लोग ज्यादा हेल्दी रह पाए? नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बताइए।